हे फूडीज, वेलकम टू पूजा अन्नपूर्णा रसोई। आज मैं आपके लिए स्पेशल पोटैटो चीज बॉल्स रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना है बहुत आसान और इवनिंग स्नैक्स के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऐसे ही मेरे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉर फर्स्ट नोटिफिकेशन प्लीज प्रेस द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैंने बॉइल्ड आलू ले लिए हैं, आप जितने लेना चाहें तो उतने ले सकते हैं। इनको पील कर लिया है मैंने, इसको फॉर्क से अब हम मैश कर लेंगे या फिर आप हाथ से भी कर सकते हैं, या मैशर हो आपके पास पोटैटो मैशर उससे भी कर सकते हैं। ये मैंने स्वादानुसार नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये थोड़ा हींग डाला है मैंने, ये दो हरी मिर्च काट कर डाल दी हैं, हरा धनिया काट कर डाल दिया है। इनको हम मिक्स करेंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये बाद में मैंने जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, आप अंदाजे से डाल लीजिएगा अपने स्वादानुसार जितने आपके पास आलू हों। इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये मैंने साइड करके अब रोल्स बनाना शुरू कर दिया है। आप चाहे तो खाली भी ऐसे बना सकते हैं, इसके अंदर आप चीज़ शेडार भी डाल सकते हैं। ये मैंने पहले खाली बनाए हैं विदाउट चीज़। ये देखिए, ये मैंने पेस्ट बनाया है कॉर्नफ्लोर का और मैदे का। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, 2 चम्मच मैदा। अब इसको मिक्स करके अब हम पानी में ऐड करेंगे इसमें। इसको लिक्विडी पेस्ट बनाना है ताकि हम इसको डिप करके अच्छे से आलू रोल्स को बना सकें, अच्छे से लम्प्स ना हो इसमें। आप ऐसे पेस्ट बना लीजिएगा इसको। ये मैंने ब्रेड क्रम्बल्स बना लिए थे, ब्रेड को ग्राइंड करके उसको भून लिया है कढ़ाई में और उसको दोबारा से ग्राइंड कर लिया है। ये चीज़ शेडार रखा था मेरे पास, अब मैं इसको पिट्ठी में भर लूँगी और इसको बंद करके इसका जैसा भी आप शेप देना चाहें, गोल बनाना चाहें, ओवल शेप बनाना चाहें, कैसे भी बना सकते हैं। इनको मैंने ऐसे ही फिल कर लिया है चीज़ शेडार से। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, बहुत ही टेस्टी बनता है। इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। और वेरी इजी भी है, अगर कोई गेस्ट आए तो आप उसके लिए भी बना सकते हैं इसे। ये देखिए, मैंने पेस्ट में भिगो के ब्रेड क्रम्बल्स लगा दिए हैं, इसमें ब्रेड भी बहुत कम यूज़ होता है और क्रिस्पी भी बहुत बनते हैं ये। ये मैंने तेल में फ्राई कर दिया है, ये देखिए बहुत ही सुंदर और क्रिस्पी लग रहे हैं और बहुत जल्दी बनते हैं ये। ये सारे मैंने ऐसे ही धीरे धीरे तेल में अपना रिफाइंड ऑयल में डाल लिया था। ये मेरे बन गए हैं सारे रोल्स, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हें। बहुत ही इजी रेसिपी है, घर पर बनाना बहुत आसान है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बन जाते हैं। आप कोई भी चटनी के साथ या सॉस के साथ इसे ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये, इसकी आवाज़ भी आ रही है। ये देखिए चीज़ी बॉल बन गए हैं, बिल्कुल चीज़ एकदम खिंच रहा है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा ये।
अगर आपको मेरा ये वीडियो और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।